है गाइस, कैसे आप लोग? देखिए, आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज आप मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, डालिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए स्टूडेंट, आज अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए स्टूडेंट, कल तक आपने जो देखा उसका आपने रिवीजन, जो हमने कल चैप्टर खत्म किया है उसका आपने अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा, मैं मानता हूं। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे, उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक घंटा देना है। एक घंटे में आपको मैं पूरा का पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। किसी ने सोना नहीं है, आप बहुत बड़े स्टूडेंट हो, आपका नॉलेज भी बहुत बड़ा है, लेकिन होता क्या है ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे बड़े बच्चे बन जाएंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकॉन दिखाई देता है उसे क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको आपके मोबाइल के ऊपर उसका नेविगेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, आज कोई भी वीडियो को आगे नहीं लेगा, पीछे नहीं लेगा, आराम से देखेगा। आज का एक घंटा मुझे देना, मैं आपका पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको बार बार देखना होगा। एक ही क्वेश्चन मैंने न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का लिया है, ये अगर आप करेंगे ना, आप 101% आप मास्टर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम समझते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। देखिए, समझो ए बी और सी, ये तीन पार्टनर, उनका एक बिजनेस है, उनका एक फर्म है। फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, यानी कि अगर दो या से ज्यादा अगर कोई लोग, उन्होंने अगर एक कोई बिजनेस डाला हो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। समझो ए बी और सी, ये तीनों का एक फर्म है, तो तीनों उनके हो जाए ओल्ड पार्टनर। क्या हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर, इनको बोला जाएगा और ओल्ड पार्टनर, या तो उसको ऑब्लिक नाम होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। ये तीन ओल्ड पार्टनर है, ए बी सी, ये तीनों ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया कि हमें एक नए पार्टनर को एडमिशन देना है। देखिए क्या हुआ, ए और ए बी और सी, ये तीनों ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया, ये तीनों ने मिलकर एक काम करते, हम एक ही रखते हैं, ए और बी रखते, सिर्फ क्या रखते हैं यहां पे, ए और बी रखेंगे। ए और बी यहां पे दो ओल्ड पार्टनर है, ये दोनों ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया कि हम एक सी नाम का नया पार्टनर है, क्या, न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे। क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, मतलब एडमिशन देंगे। तो ये नया पार्टनर को जो एडमिशन दिया जाएगा इसको बोला जाएगा न्यू पार्टनर। क्या बोला जाएगा, न्यू ऑब्लिक इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, या तो उसको बोला जाएगा न्यू ऑब्लिक इनकमिंग पार्टनर। देखिए, ये दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम सी को एडमिशन देंगे, एडमिट करेंगे, तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। पर ये देखो, ये सोचो कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर समझो ये दो ओल्ड पार्टनर थे, इनको ऐसा लगा कि अगर हम नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तो नया पार्टनर कुछ ना कुछ पैसा बिजनेस में लेके आएगा, नया पार्टनर
बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा। अगर नया पार्टनर बिजनेस में पैसा आता है, नया पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लेके आता है, अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो आपको पता है बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिजनेस बढ़ेगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन सबको क्या होगा, इन सबको खुशी होगा। तो न्यू पार्टनर पैसा लेके आएगा, एक इसका रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, सेकंड रीजन ये हो सकता है कि यार समझो कि ये जो सी है, ये सी के पास नॉलेज बहुत है, नॉलेज में अपना मतलब नाम कमा कर रखा है इसने। जो बिजनेस ये दोनों करते हैं उसका नॉलेज उसके पास ज्यादा है, तो यार समझो ये दोनों निश्चय किया कि हम अगर सी को एडमिशन देंगे तो उसका नॉलेज का हमें फायदा होगा। और एक बात समझो कि ऐसा समझो कि ए बी और सी ये तीनों समझो बिजनेस के ओनर हो गए, क्या हो गए, ओनर यानी कि पार्टनर, क्या हो गए, पार्टनर। अरे बिजनेस ये तीनों का बिजनेस है, ये तीनों बिजनेस में मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत अगर करेंगे तो मुझे बताइए पार्टनर को ओनर को बताने की जरूरत नहीं है भाई तू ये काम कर, भाई तू वो काम कर, नहीं नहीं नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है भाई काम करने की, वो अपने आप काम करता है, जितना उसको काम करना है ना अपने आप काम करेगा, उसको पता है मैं जितना काम करूंगा उतना मेरा फायदा होगा, जितना मैं काम करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का पैसा मुझे मिलेगा, तो जान लगा के दिन रात मेहनत करता है, इसके लिए नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात मैन पावर, अरे बिजनेस में मैनेजमेंट करना पड़ता है, बिजनेस मार्केटिंग पार्ट होता है, काउंसलिंग का पार्ट होता है, दिमाग का पार्ट होता है, मैन पावर। समझो दोनों से बिजनेस नहीं चल रहा है, उनको मैन पावर की जरूरत है, तो क्या करेंगे नए पार्टनर को एडमिशन देंगे। ये सब रीजन होता है स्टूडेंट एडमिशन का, न्यू पार्टनर को एडमिशन देने का, लेने का। आगे देखिए यहां पे आप सब कोई लिखेगा नहीं, देखिए समझो कुछ क्राइटेरिया भी है। देखिए समझो ए ये बोलता है कि समझो ए और बी दोनों की इच्छा है कि हमें सी को एडमिशन देना है, लेकिन लेकिन समझो ए ए ए बोलता है कि सी को एडमिशन देना है, लेकिन बी बोलता है कि उसको एडमिशन नहीं देना है। ए क्या बोलता है कि उसको लेना है, लेकिन बी बोलता है उसको नहीं लेना है। तो ऐसे समय पे सी का एंट्री बंद हो जाएगा स्टूडेंट, सी का एंट्री क्या होगा, बंद होगा। यह मैं कौन बोलता है स्टूडेंट, ये सेक्शन सेक्शन 31 में मेंशन है, सेक्शन 31 पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट है उसमें जो 31 जो सेक्शन 31 है उसमें ऐसा मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बिजनेस का डिसीजन लेने का राइट किसके पास है, तो स्टूडेंट तो दोनों को भी डिसीजन लेना पड़ेगा, ए और बी दोनों को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर इसमें से समझो कि बी बोल रहा है भाई इसको एडमिशन नहीं देना है तो इसका एंट्री बंद होगा, ए बोल रहा है देना है, बी बोलता ना देना है, तो सी का एंट्री बंद हो जाएगा। यह मैं कौन बोल रहा है सर, सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोल रहा है, ठीक है। तो आगे देखना, समझो समझो कि सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा जो अपना जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा मेंशन है कि यार जो भी बिजनेस में डिसीजन लेना है उसका राइट किसी एक, वो डिसीजन लेने का राइट किसी एक पार्टनर के ऊपर है, समझो
जो बिजनेस का जो भी डिसीजन लेना है ना दोस्तों, वो उसका डिसीजन लेने का राइट सिर्फ एक के पास है। तो भाई इसका इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये बोलेगा कि इसको लेना है तो लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है और एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या चीज होती है। ठीक है तो आगे हम देखेंगे, हमें देखना है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करनी होगी। अब बात आती है इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होगी ताकि हमें ये चैप्टर आसान जाए। ठीक है ना सर, हगया में बड़े बड़े क्वेश्चन देखने, आप भूल जाओ सब, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको देखना है। ठीक है देखिए, हमें सबसे पहले इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से समझना होगा, इस आप लिखिए मेरे साथ, अगर इस चैप्टर को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा तो हमें देखना होगा, पहली चीज हमें सीखना होगा कॉम्पिटिशन, लिखिए मेरे साथ कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशो। सर न्यू सैक्रिफाइस क्या होता है स्टूडेंट, बताऊंगा मैं आपके लिए हूं, मैं चिंता ना करना बताऊंगा, कि लिखना अभी आप सिर्फ लिखने का काम करेंगे। दूसरी चीज हमें देखनी होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर तीन पे आपने हमें देखना होगा देखिए, हमें ट्रीटमेंट देखना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्वर एंड प्रॉफिट और लॉसेस। हमें आगे देखना होगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटी। नंबर पांच आपको देखना होगा और एक पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको देखना होगा न्यू बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन देखेंगे। हमें और एक देखना होगा बैलेंस, अब क्या लिखेंगे आप, लिखे आपको लिखना होगा क्या लिखेंगे आप, लिखिए न्यू बैलेंस शीट, ऐसा लिखो प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन। ओके, ये जो न्यू बैलेंस शीट उसको आप बोल सकते हैं अपडेटेड बैलेंस शीट, क्या अपडेटेड बैलेंस शीट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतने पांच टॉपिक आपको कवर करने, ये पांच टॉपिक आप अगर कवर करेंगे ना 101% अब क्या हो जाएगा, पे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या अच्छी तरह हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना हमें, कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट और लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट ऑब्लिक अपडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन, इतने सारे टॉपिक आज कवर करने। सर आज हमें क्या देखना है, आप बाकी जाने दो, आज आप हमें क्या देखना है ये तो हमें बाद में पढ़ना होगा स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो, कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। आप एक काम करेंगे, आप बिल्कुल नए पेज पे जाएंगे, आज आप एक पेज छोड़ दो, आप नए पेज पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। हमें पहले न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो तैयार करना सीखना है, ठीक है? तो ऊपर नाम डाले कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। आपने क्या सीखा पहले, आप आगे क्या सीखेंगे वो आप आज मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ऊपर से भगवान भी आएगा नीचे तो भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? देखिए हम पहला चीज देखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो, सैक्रिफाइज रेशियो। उसके बाद हमें न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है हम क्या सीखेंगे, ठीक है? देखिए मैं क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आप हम देखेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बोलता हूं, वहां पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। आपकी कॉन्सेप्ट को पक्का कर देगा, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी पक्की हो जाएगी इस क्वेश्चन में, आप देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, देखिए क्वेश्चन लिख लेंगे आप पहले, क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी और दो ओल्ड पार्टनर है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी ये दो ओल्ड पार्टनर है, क्या है, ओल्ड पार्टनर, इनको क्या बोला जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्या, एग्जिस्टिंग पार्टनर। सर मैं आपको बताता हूं, सर आपको बताएंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब जो प्रॉफिट होता था नया पार्टनर एडमिशन होने के पहले जो प्रॉफिट होता था, तो ए और बी उसको कौन से रेशियो में लेते थे, सर 3:2 में लेते थे, यानी कि टोटल 3+2 हुआ कितने, यहां पे 5 हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, उनका शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, टोटल हुए 5। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सी इज न्यू पार्टनर एडमिट, सी नाम का एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, सी नाम का एक नया पार्टनर क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। देखिए सी नाम का नया पार्टनर एडमिट हुआ है, इसका मतलब, लेकिन आगे बोला हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, अरे भविष्य में फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी को कितना प्रॉफिट देना है, सर 1/5 देना है। हम देखेंगे आगे 1/5 क्या होता है, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा तो सी कितना प्रॉफिट लेगा, सर 1/5 लेगा। आपको समझ में आया ना, अरे नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है, क्या हुआ है, एडमिट, अरे फ्यूचर में उसको कुछ तो प्रॉफिट देना होगा, बेचारा बिजनेस में आया है नया, तो उसको फ्यूचर में भविष्य में कुछ तो प्रॉफिट देना होगा, हाँ सर देना होगा, तो वो कितना लेगा, 1/5 शेयर। इतनी बातें हमें का रिक्वायर्ड है,
आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो। हमें न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए सर सैक्रिफाइस क्या होता है, सैक्रिफाइस त्याग करना, क्या करना त्याग, मैं बताऊंगा आगे आपको बताऊंगा। अभी आप एक काम करेंगे, ये जो क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे कॉन्सेप्ट। आज अभी आप यहां पे ध्यान देंगे, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, यहां पे ध्यान देंगे। देखिए मैं क्या बोलता हूं, समझो समझो कि ये क्या नीचा है मेरे पैर के नीचे भाई, उद उद उद। देखिए ये समझो, ये ऐसा समझो कि ये टोटल प्रॉफिट है, समझो ये टोटल प्रॉफिट है, क्या है टोटल प्रॉफिट, समझना आपको, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आप कैसे करें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये टोटल प्रॉफिट नया पार्टनर एडमिट होने से पहले, नया पार्टनर एडमिट होने से पहले ये टोटल प्रॉफिट था। देखिए उसके कितने हिस्से थे, नया पार्टनर एडमिट होने से पहले 3S2 उसके कितने हिस्से होते थे सर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टोटल प्रॉफिट कितना होता था, इतना ये टोटल प्रॉफिट था उसके, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पांच हिस्से होते थे, उसमें से ये ए कितना लेता था, उसमें से जो ए नाम का पार्टनर है, ए नाम का पार्टनर, ए नाम का पार्टनर कितना लेता था सर, 1, 2, 3 कितना हिस्सा था उसका, 3 हिस्सा। ठीक है देखिए ये पांच हिस्से में से, पांच हिस्से में से ये ए कितना लेता था सर, ए लेता था 3, कितना लेता था ए, ए का प्रॉफिट था, किसका था ये, ए का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में से टोटल 3 हिस्सा कितना लेता था, ए लेता था। ये बी कितना लेता था, देखिए ये दो हिस्सा कौन लेता था, बी लेता था, कौन लेता था बी, ये लेता था बी। ठीक है समझ में, नया पार्टनर एडमिट होने से पहले जो हमारा टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में से ए 3 हिस्सा लेता था। पहले तो समझो कि टोटल प्रॉफिट कितने हिस्से थे, 5, 3+2 कितने हिस्से थे, 5, ये पांच में से 3 हिस्सा किसने लिया, ए ने, ये पांच में से 2 हिस्सा किसने लिया, बी ने। आप देखिए आप अब देखेंगे न्यू पार्टनर एडमिशन के बाद आप डायग्राम के साथ देखेंगे, आपको डायग्राम समझना है। देखिए लिखिए आप अफ्टर, अफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन, न्यू पार्टनर एडमिशन होने के बाद देखिए, देखिए ये समझो टोटल उतना ही प्रॉफिट था, प्रॉफिट क्या था उतना ही था, देखिए प्रॉफिट उतना ही है, ये थोड़ा ऊपर ले तो मैं, क्या है ये टोटल प्रॉफिट उतना ही था, टोटल प्रॉफिट क्या है उतना ही है नो डाउट। उसमें कितने हिस्से होते टोटल, पांच हिस्से, कितने होते थे, 5, 1, 2, 3, 4 थोड़ा इसको बढ़ा दूंगा मैं, करूंगा 5, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद, न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद नया पार्टनर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4, सॉरी सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में, फ्यूचर में यानी कि अब ये टोटल प्रॉफिट में से सी को कितना प्रॉफिट देना है सर, 1/5। टोटल हिस्से कितने, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हिस्से कितने, 5। ये पांच हिस्सों में से ये ए को कितना देना है सर, 1 देना है, कितना देना है 1। ठीक है टोटल प्रॉफिट के हिस्से कितने, 5, 1, 2, 3, 4, 5।
ये पांच में से ये एक को कितना देना हमें, एक देना, क्या देना, एक देना है, समझ में, पांच टोटल, ये पांच को क्या बोला जाएगा, टोटल प्रॉफिट, यानी कि एक दो तीन चार पांच यानी टोटल प्रॉफिट। ये पांच में से एक हिस्सा किसको दिया, सर सी को दिया, किसको दिया, सी को, किसको दिया, सी को दिया, किसको दिया, सी को। अरे बेचारा न्यू एडमिट हुआ, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो तो प्रॉफिट मांगेगा, तो वो बोल रहा है भाई ए और बी भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक हिस्सा मैं लूंगा। अब देखिए क्या हुआ, मुझे बताइए, इसने एक हिस्सा लिया तो बचा कितना, सर चार टुकड़ा, कितना बचा, चार टुकड़ा, एक दो तीन चार, अब बचा कितना, चार टुकड़ा, ये चार टुकड़ा बचा, देखिए ना स्टूडेंट कितना बचा, चार टुकड़ा, ये चार टुकड़ा बचेगा स्टूडेंट, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, आप बताएंगे, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि यार पहले पांच हिस्सा होते थे उसमें से तीन ये लेता था, दो ए लेता था, ये कितना लेता था, तीन हिस्सा लेता था, ये लेता था दो हिस्सा, लेकिन आज आज नया पार्टनर एडमिट होने के बाद वो पांच में से एक हिस्सा कौन लेगा, सर सी लेगा, तो बच्चे कितने, सर बच्चे चार हिस्से, चार हिस्से बच्चे, टोटल प्रॉफिट था एक दो तीन चार पांच, टोटल प्रॉफिट था पांच, पांच में से एक गया इसको तो बचा कितना, चार बचा। अब मुझे बताएंगे आप, मुझे बताएंगे भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी को कितना मिलेगा, सर वन फिफ्थ। तो आज के डेट में ये दोनों को पहला पांच हिस्सा कौन लेता था, ए और बी, लेकिन आज की डेट में नया पार्टनर अगर एडमिट होगा तो उसको भी तो कुछ देना होगा। अरे नया पार्टनर भविष्य में अगर आज नया पार्टनर एडमिट हुआ है और कल भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको नए पार्टनर को कुछ तो देना होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, समझो आपका घर है, आपके घर में आपकी मम्मी है, आपके मम्मी के पास छह रोटी था, दो तीन चार पांच छह रोटी था, आप घर में आप हो, आप देखो कितने खिला खिला रहे आप लोग, आप बहुत खुश हो, और आपका कोई भाई होगा, आपका भाई या बहन होगा, मुझे बताइए आप घर पे खाना खा रहे, आपके मम्मी के पास सिर्फ छह रोटी था, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, इसमें से तीन रोटी आपको दे दिया खाने को, एक दो तीन, तीन रोटी खाने को किसको दिया, आपको दिया, और बचा हुआ तीन रोटी किसको दिया, आपके भाई या तो आपके बहन को दिया, एक दो तीन, ठीक है। और आपकी मम्मी कुछ काम से बाहर निकल गई, ठीक है, आपकी मम्मी क्या, आप कुछ काम था मम्मी को, बाहर चली गई, तो आप मुझे बताएंगे छह रोटी था, इसको तीन दिया, इसको तीन दिया, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। लेकिन लेकिन आपका एक दोस्त था, आपका एक दोस्त, आपका प्यारा सा दोस्त, आप देखो ना, आप ये आपका प्यारा सा दोस्त, आपका प्यारा सा दोस्त आपके घर पे आया, आपके घर पे आया, अरे उसका राम नाम था रामचंद, क्या था, रामचंद, अरे रामचंद आपके घर पे आया, वो थोड़ी ना आपके मुंह के पास देखेगा, अरे उसको भी तो कुछ खाना देंगे, वो आपका दोस्त है, आपका प्यारा सा दोस्त है, बेचारा कितना खुश है आपके पास आने के बाद, उसको भी तो कुछ खाना देंगे, देंगे ना, देंगे सर, देंगे, जरूर देंगे, हम हमारे दोस्त से बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए ना, मुझे बता, रोटी कुछ बचा है, सर रोटी कुछ बचा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, समझो कि आपने आपने
आपके दोस्त को एक रोटी दे दी आप, आपकी रोटी में से, आपके भाई ने भी एक रोटी उसके रोटी में से दे दिया। मुझे बताइए ना आपने क्या किया? एक रोटी उसको दे दिया, रोटी दिया आपका, रोटी उसको दिया, यानी कि आपने सैक्रिफाइस किया। क्या किया? सैक्रिफाइस किया। तो रोटी मिला किसको? इसको मिला। आपके भाई ने एक रोटी दिया, एक रोटी किसको दिया? सर रामचंद को दिया। अरे आपके भाई ने रोटी दिया इसका मतलब सैक्रिफाइस किया। क्या किया? सैक्रिफाइस। तो आपके पास टोटल रोटी कितना बचा अभी? सर मेरे पास 2 रोटी बचा। आपके भाई के पास कितना बचा? 2 रोटी बचा। एक रोटी कहां पे गया? सर रामचंद के पास। रामचंद के पास कितना रोटी हुआ? 2 रोटी हुआ। ठीक है, यानी कि जो रोटी अपने रामचंद को दिया, अपना रोटी रामचंद को दिया, इसका मतलब आपने सैक्रिफाइस किया। क्या किया? सैक्रिफाइस। ठीक है, इसको बोलते सैक्रिफाइस करना। ठीक है, तो आप समझेंगे, आप मेरी कॉन्सेप्ट समझो। ये ए, कौन है ए? ये कौन है? बी। कौन है? बी है। मुझे बताइए इसका टोटल प्रॉफिट समझो, तीन था। अरे बेचारा ये नया पार्टनर आएगा, इसको भी कुछ तो प्रॉफिट देना होगा ना? सर प्रॉफिट देना होगा। तो ये दोनों ने प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया। क्या किया? सैक्रिफाइस। तो देखे आप, यहां पे टोटल 5 हिस्सा था, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा किसको दिया? सर सी को दिया। तो बचा कितना यहां पे? 4 और 5। क्या बचा यहां पे? 4 और 5 बचा, मतलब 4 हिस्सा बचा। 4 हिस्सों में से अब ए को कितना देना, बी को कितना देना, यह हमें देखना होगा। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि अगर ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है 4 में से ए को कितना और बी को कितना, हमें देखना होगा। उसको भी बोलेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इतना आपने पक्का करना, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए। अब हमें देखना है, पहले निकलना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे चार तार करेंगे, लिखिए यहाँ पे पार्टनर, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ लिखेंगे पार्टनर, उसके बाद लिखेंगे ओल्ड रेशो, उसके बाद लिखेंगे आप न्यू रेशो, उसके बाद आप लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आप पहले सीखे होंगे या तो नहीं सीखे होंगे, आपके कॉलेज में आपको कुछ और बताया होगा, मैं कुछ और बताऊंगा, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। ठीक है, कोई ऐसे निकलता है, कोई ऐसे निकलता है, हमें वो नहीं देखना है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, देखिए अब हमें निकलना है न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, ये चार हिस्सा है, 4 हिस्सों में से ए को कितना और बी को कितना। आप एक काम करेंगे, पहले नाम लिखेंगे, पार्टनर कितने यहां पे? 3 पार्टनर है, ए बी और सी। आप लिखेंगे पहले ओल्ड रेशो। क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशो। देखिए इसका ओल्ड रेशो क्या था? 3 बाय टोटल, 3 प्लस 2 कितना यहां पे? 5। इसका ओल्ड रेशो कितना था? 2 बाय 3 प्लस 2 कितना? 5। सी का ओल्ड रेशो था क्या? नहीं, वो न्यू पार्टनर, उसका ओल्ड रेशो नहीं होगा। न्यू रेशो, इसका न्यू रेशो पता है क्या? नहीं, निकालना, इसका नहीं पता। ये कितने के लिए एडमिट हुआ? सर ये एडमिट हुआ 1/5 के लिए। कितने लिए? 1/5 के लिए, क्या वो एडमिट हो चुका है। अब हमें निकालना है ये दोनों का न्यू रेशो। क्या निकालना है? न्यू रेशो। स्टूडेंट आज मैं डायरेक्टली, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा रफ काम करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट
हमें अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो हमें पहले निकालना होगा रिमेनिंग रेशियो। क्या निकालना होगा? रिमेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो देखिए पहले आप नीचे लिखेंगे, आप डायरेक्टली आप न्यू रेशियो नहीं निकालेंगे, पहले आपको निकालना होगा रिमेनिंग रेशियो। तो लिखे यहाँ पे, हमें पहले निकालना होगा रिमेनिंग रेशियो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मेरे साथ लिखिए टोटल, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। आप लिखेंगे मेरे साथ लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? समझो, मानो, सपोज ऐसा समझो कि हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट समझो एक है। क्या है? एक। समझो ना, समझो आप अच्छे स्टूडेंट हो, समझो कि हमारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट समझो कितना है? एक। कितना है? एक है। कितना है? एक। जो नया पार्टनर एडमिट हुआ आप एक भी ले सकते हैं, आप दस भी ले सकते हैं, सो आपको जो अच्छा लगे हो। सर आपने एक ही क्यों लिया? मुझे एक अच्छा लगता है। ठीक है, तो नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ? लिखिए सीज शेयर इन फर्म। सी का शेयर कितना है? 1/5। कितना है? 1/5। ठीक है, अब हमें निकालना है रिमेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? रिमेनिंग रेशियो। देखिए लेट टोटल प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? एक। माइनस एक में से सी को कितना देना है? सर 1/5। कितना देना है? 1/5। ठीक है ना, एक टोटल प्रॉफिट हमारा एक है, एक में से सी को कितना देना है उतना माइनस को। आगे लिखे देखिए 5 × 5। ठीक है, 5 × मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 -1 5 − 1 = 4 − 5। कितना आएगा? 4/5। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ मैं, फिर से बताऊंगा, टेंशन न लेना आपने। देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो टोटल प्रॉफिट कितना था? एक। माइनस उसमें से उसका शेयर कितना है सी का? 1/5। आगे लिखिए कैसे, तो पता ना आपने, आपको मैथ भैया ने आपको पढ़ाया होगा, कि अगर ऊपर एक है तो नीचे भी क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अगर ऊपर एक है तो नीचे भी क्या होगा? एक ही होगा। तो देखिए इसका, देखिए 5 × 5 इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 ने 1 को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 तो नीचे कितना आएगा? 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 5 × 5 -1 5 − 1 कितना आएगा? 4। 5 नीचे आएगा, तो हमारा रिमेनिंग रेशो 4 − 5 कितना आएगा? सॉरी 4/5। ये हमारा क्या होगा? रिमेनिंग रेशो। क्या होगा ये? रिमेनिंग। देखिए आपने अगर देखा होगा यहाँ पे भी हमने निकाला था 4/5। अभी हमें क्या करना है, ये 4/5 जो रिमेनिंग रेशो बचा है इसमें से ए को कितना देना है और बी को कितना देना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमें कुछ बोल रहा है क्या, कैसे बांटना है। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे मुझे बताइए, क्वेश्चन हमें कुछ बोल रहा है कि ये जो 4/5 बचा है वो कैसे देना है? सर कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो ओल्ड रेशियो था ओल्ड रेशियो के मुताबिक इसको बांट देंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं पहले लिखता हूं, मैं डायरेक्ट यहां पे नहीं लिखूंगा आज, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाद में शॉर्टकट मारेंगे, आज शॉर्टकट नहीं मारेंगे, आज हम यहां पे ना लिखे, अब यहां पे आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए लिखिए एच शेयर
इन न्यू फर्म न्यू रेशो निकालना है। देखिए रिमेनिंग रेशो कितना है, रिमेनिंग रेशो 4/5, कितना बचा है 4/5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई उसका ओल्ड रेशो कितना, ओल्ड रेशो 3/5, ठीक है, 4 3 4 3 12, 5 5 25, तो इसका न्यू रेशो कितना है 12/25। अभी किसका निकलना है, बीच शेयर इन न्यू फर्म। देखिए उसका रिमेनिंग रेशियो कितना है 4/5 मल्टीप्लाई उसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, 4 2 8, 5 5 25, ठीक है। देखिए उसका न्यू रेशियो क्या बन क्या आया, यहाँ पे आया 12/25, ठीक है, यहाँ पे 8/25, ठीक है, ये क्या उसका न्यू रेशियो आ गया, ठीक है, यहाँ पे न्यू रेशियो ऐसे निकल दे। आपको एक प्रॉब्लम आएगा बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर लेट टोटल प्रॉफिट अपने क्यों ले, हम जब पढ़ते स्कूल में, हाँ बच्चे बहुत, देखिए सिखाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सिखाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपके स्कूल में, आपको कॉलेज में, स्कूल में आपको क्या यहाँ पे लेट टोटल प्रॉफिट नहीं बोलते होंगे, आपको ऐसे भी सिखाया गया होगा बैलेंस 1, ठीक है, बैलेंस 1 में से इसका शेयर कितना है 1/5 है, ठीक है, तो बचे का कितना यहाँ पे 5 1 5 5 -1, तो यहाँ पे 4/5 आएगा। आप ऐसे निकालो आंसर एक ही आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम में ऐसा लिखे, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस करते समय आप ऐसा ही करेंगे, प्रैक्टिस करते समय आप क्या करेंगे ऐसा ही निकालेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या होगा कॉन्सेप्ट, आपको सीखना जरूरी है, आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। देखिए न्यू रेशो देखिए 12/25 12 8/25 1/5, स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे, लिखना बंद करो, ध्यान दो यहां पे, देखिए बात जब रेशो की आती है ना रेशो की, तब आपका जो डेनोमिनेटर है, बात जब रेशो की आएगी ना तब देखिए जो आपका डेनोमिनेटर है यहां पे 25, यहां पे कितना है 25, यहां पे कितना है 5। स्टूडेंट जब बात रेशो की आएगी तब आपको सबका डेनोमिनेटर सेम रखना होगा, सबका डेनोमिनेटर क्या आपको सेम रखना होगा, तो सर इसका 25 इसका 25 तो इसका कितना होगा वो हमें निकालना होगा, आप उसको क्या बोलते हैं हिंदी में विभाजक बोलते भाजक, और एक उसको वर्ड से छेद, तो इसको बोला था डेनोमिनेटर, तो इसका डेनोमिनेटर कितना है 25, इसका कितना है 25, इसका कितना 5, तो हमें इसका डेनोमिनेटर क्या सेम करना, इसका भी हमें 25 लाना होगा। सर क्या करें, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की बात है, हमारे मैथ ने हमें बताया हुआ है कि अगर आपको डेनोमिनेटर एक जैसा करना तो क्या करना होगा, तो देखिए ये 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने से, इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा। सर 5 को अगर 5 से 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 25, कितना आएगा 25, 5 5 25। तो सर ऊपर क्या ले, हमारे मैथ भैया हमें कहते हैं कि अगर नीचे 5 लिया तो ऊपर भी क्या लेना 5 लेना, ठीक है, मैथ हमें क्या बोलता है, जब आपको डेनोमिनेटर सही करना है सेम करना है तो आप नीचे क्या लेंगे 5 तो ऊपर भी 5 लेना, तो 5 5 25
5 1 5। अगर आप देखेंगे इनका न्यू रेशो 12/25, 8/25, 5/25। आप लिखेंगे आप न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो देखिए आप, इनका न्यू रेशो देखिए, इनका न्यू रेशो देखिए, इसका क्या है 12, इसका क्या है 8, इसका क्या है 5। तो उनका दोनों का रेशो क्या, तीनों का रेशो 12, 8, 5 आएगा। सर ये सही है कि बराबर है? देखिए ना, देखिए यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 5। मुझे बताइए 12 प्लस 8 कितना होगा 20, कितना होगा 20, 20 प्लस 5 कितना होगा 25। अगर तीनों का मिलकर 25 है तो आपको डेनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 25, 25, 25। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही है। सर अभी हमारा न्यू रेशो हो चुका, अभी हमें क्या निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है देखिए, सैक्रिफाइसिंग निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको लिखिए आप, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या लिखेंगे आप? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पहले ओल्ड रेशो उसमें से माइनस क्या करना होगा न्यू रेशो। लिखिए आप, देखिए ए का ओल्ड रेशो, ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस 12 न्यू रेशो 12/25। आगे लिखेंगे बी का ओल्ड रेशो क्या है 2/5 माइनस 8/25। ठीक है, ये हमने क्या पे लिख दिया। सर इस सी का क्यों लिखा नहीं? सी स्टूडेंट नया पार्टनर है, वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसका भी निकालेंगे। देखिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा पे, इसका एलसीएम। देखिए स्टूडेंट, और एक बात कहना चाहूंगा, कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, क्या करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको बातें नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आपको सिर्फ ट्वेल्थ में नहीं करना, आपको सीए, सीएमए, सीएस आगे जाना है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज सीखना होगा। अब प्लीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करें। ठीक है, देखिए देखिए 5 और 25 का एलसीएम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 5 और 25 का एलसीएम कितना आता है पे 25, कितना आता है 25 होता है। सर एलसीएम क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये 5 और 25 के पाढ़े में जो सबसे पहली संख्या आएगी वही संख्या 25 के पाढ़े में सबसे पहली आनी चाहिए। पाढ़ा मतलब टेबल, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो मैं 5 का पाढ़ा लिखता हूँ आपे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, इतना लिखता हूँ मैं। अभी 25 का मैं पाढ़ा लिखता हूँ, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75। बस इतना लिख। अभी आपको इसका एलसीएम कैसे निकालना है, ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो कि जो संख्या 5 के पाड़े में सबसे पहली आती है और वही संख्या 25 के पाड़े में पहली आती हो। देखिए 5 इसमें है क्या नहीं, 10 इसमें है क्या नहीं, 15 इसमें है क्या नहीं, 20 है क्या इसमें नहीं, 25 है। देखिए ये 25 यहां पे भी आता है और इसके भी पाड़े में आता है, मतलब ऐसी संख्या आप ढूंढो जो संख्या 5 के पाड़े में सबसे पहली हो और 25 के पाड़े में पहली हो, इसको बोला जाता है एलसीएम। क्या बोला जाता है? एलसीएम। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे कॉल करो। तो देखिए 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा 25। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आप कोई लिखेगा नहीं, आप कोई लिखेगा नहीं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए ये 5 ने इस 25 को डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने? 5 ने इस 25 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 ने 25 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 5 5 कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है? 5 ने
ये 25 को डिवाइड करना है, तो 5 फिफ्जा 25 कितना है 5, डिवाइड करने बाद कितना है 5, यहां पे कितने मिला हम 5, 5 थ्री जा 15, यहां पे कितना लिखेंगे आप 15 माइनस 25 वन जा 25 1, ध्यान दो भाई यहां पे ध्यान दो, 25 वन जा 25 कितना आएगा 1, 25 ने 25 को डिवाइड करना है कितना मिलेगा 1 मिलेगा 1, 1 12 जा 12, 1 ने किसको मल्टीप्लाई करना है 12 को, देखिए 15 माइनस 12 कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस 25, कुछ डाउट आपका इसमें नहीं, नीचे देखिए फिर से बताता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, देखिए 5 और 25 का एलसीएम हमने निकाला कितना आया पे 25, कितना आया 25 आया, 5 फिफ्जा 25, ये 5 ने 25 को क्या करना है डिवाइड करना है, 5 फिफ्जा 25 कितना आया 5, कितना आया 5, 5 टू जा 10 कितना आएगा 10 माइनस 25 वन जा 25, ये 25 ने किसको डिवाइड करना है 25 को, 25 वन जा 25 कितना यहाँ पे 1, 1 8 जा 8 आएगा, 10 माइनस 8 कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे 25, देखिए इसका सैक्रिफाइज रेशो कितना है 3, इसका कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे आप सैक्रिफाइजिंग रेशो 3 यहाँ पे 2, ये कुछ सैक्रिफाइज करेगा सर, ये कुछ सैक्रिफाइज नहीं करेगा, तो स्टूडेंट आप डरना नहीं है, ये कैलकुलेशन अगर आप फिर से उड़े एक बार नहीं दो बार आपको अगर ये वाला कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला और ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको दे दे, इसका रिंग खत्म हुआ क्या, अगर ये दोनों का कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आता है ये और ये, तो आप क्या करें पता है, आपको मैं आइडिया देता हूं, एक काम करो आप वीडियो को फिर से पीछे लो, वीडियो को स्लो करो, क्या करो स्लो वीडियो को, आप जब स्लो करेंगे ना तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, ये वाला भी समझ में आएगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे, और तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करो, क्या करो कॉल, देखिए आप मुझे जो नीचे नंबर दिखा दे रहा है आप उस पर कॉल करो, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, आपको मुझे चीजें समझानी थी, इसके लिए मैं क्या किया पे आपको धीरे धीरे लिया, ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा फास्ट होगा, ठीक है। देखिए मैं टाइम देखता हूं हमारा वीडियो कितने मिनट का हो चुका है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना, तो मैं एक बार देख के लेता हूं मैं टाइमिंग क्या हुआ है, मैंने वीडियो स्टार्ट कब किया था, देखिए स्टूडेंट वीडियो थोड़ा इसका जो आगे वाला क्वेश्चन होगा इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको ज्यादा समझाया हुआ है, आपको वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, वीडियो देखिए स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको बार बार देखना होगा, एक ही क्वेश्चन मैंने न्यू रेशियो और सैक्रिफाइज रेशियो का लिया है, ये अगर आप करेंगे ना आप 101% आप मास्टर हो जाएंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट हमें आगे क्वेश्चन नंबर टू ऐसे हमें 3 क्वेश्चन देखने, कितने क्वेश्चन देखने हैं 3, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन पूरी तरह से क्या करेंगे खत्म कर देंगे, और आपका ये 3 ये एक क्वेश्चन और आपके आगे के 3 ऐसे 4 क्वेश्चन आप अगर करेंगे ना आपका न्यू रेशियो और सैक्रिफाइज रेशियो में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो बार बार सुने, और तभी भी कुछ डाउट आती है तो मुझे कॉल करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूरा वीडियो कंप्लीट, ये 2 ए लेक्चर और इसका आगे का लेक्चर, 2 लेक्चर आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी तब भी आपको सैक्रिफाइज रेशियो न्यू रेशियो समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को
ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बाजू में जो आपको बेल आइकॉन दिखाई देता है उस पर क्लिक करो, यानी कि आपको पता चलेगा मैं न्यू वीडियो कब अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।